तो आपकी बुक्स में कैसे लिखा हुआ है और इसको भी समझना हमने। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या लिखा, इलास्टिक फोर्स इन अ स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने वर्क डन निकाला था स्प्रिंग को खींचने का भी, जो अपने हाथ से लेके दिखाया था पिछली इसमें, तो आपने ये देखा कि जो वर्क डन की वैल्यू थी वो कैसे निकाली थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल ऑफ अ स्प्रिंग। तो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए पहला पॉइंट क्या है, स्प्रिंग की फोर्सेस कंजर्वेटिव। दूसरा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। तो ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है कि अगर मैं इस ब्लॉक को राइट ले जाऊं तो स्प्रिंग की फोर्स कहाँ है, लेफ्ट है, और अगर मैं ब्लॉक को लेफ्ट ले जाऊं तो स्प्रिंग की फोर्स राइट है। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, तो डायग्राम में कुछ भी नहीं है। फिर ये कह रहा है कि मान लो एम मास आपने अटैच कर लिया, और एम मास अटैच किया तो ये जो पोजीशन है इसकी, इसकी रेस्ट पोजीशन है, जहाँ ये रहना चाहता है, नेचुरल पोजीशन है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो अगर आप इस मास को राइट लेके जाओगे तो ये मास कहाँ आने की, या स्प्रिंग इसको कहाँ लाने की कोशिश करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये वाली पोजीशन पे। तो यही चीज़ समझाई जा रही है इसमें, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स उसको कहाँ लेके आएगी, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो लैंग्वेज समझ में आ रही है, पहली चीज़। दूसरी, तो जो स्प्रिंग की फोर्स है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, जितना उसमें एक्सपेंशन होगा, और साथ में मटेरियल पे भी डिपेंड होगी, और नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि अगर एक्स राइट है तो स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट है, तो फोर्स का फॉर्मूला स्प्रिंग का क्या बनेगा, माइनस के एक्स। और इस फॉर्मूले को किसने बनाया, हुक्स ने, तो कौन सा लॉ है, हुक्स लॉ। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है हुक्स लॉ, जो ऑब्जेक्टिव करते हैं हुक्स लॉ, तो ये फॉर्मूला, तो स्प्रिंग का फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। मैं ये बता चुका हूँ, अगर के लार्ज है तो इसका मतलब स्प्रिंग हार्ड है, स्टिफ है, के अगर लेस है तो स्प्रिंग सॉफ्ट है। ये भी बात हो गई। नेक्स्ट है, सपोज करो आप वर्क डन निकालना चाहते हो इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। जो मैंने वर्क डन निकाला था अभी हाफ के वाई स्क्वायर जो भी किया था, उसमें फोर्स मैंने किसकी यूज की थी, अपनी, अपनी, क्योंकि मैं पॉजिटिव फोर्स यूज कर रहा था और मैं स्प्रिंग को खींच रहा था बाय फोर्स ऑफ एफ। पर ये क्या कर रहा है, ये सेम फॉर्मूला लगा रहा है एफ इंटू डी एक्स, लेकिन ये फोर्स किसकी यूज कर रहा है, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की जो फोर्स होती है वो हमेशा माइनस के एक्स है। तो इसका आंसर मेरे आंसर से क्या आएगा, नेगेटिव। तभी तो बोलते हैं कि जो मेरा वर्क डन है एक्सटर्नल का और जो स्प्रिंग का वर्क डन होगा उसमें साइन नेगेटिव का फर्क होगा, जैसे ग्रेविटी में होता था, मेरा वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव था। कंजर्वेटिव का वर्क डन और मेरा वर्क डन क्या, मैंने क्या बोलता था, या तो सिस्टम है या मैं हूं। तो अगर मेरा वर्क डन 10 है तो सिस्टम का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो उसी तरीके से, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है, अगर स्प्रिंग की फोर्स नेगेटिव है और मेरी फोर्स पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव का फर्क आएगा ही आएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। तो स्मॉल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन निकलेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो माइनस के एक्स इंटू टी एक्स। और सपोज करो टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेंगी, इनिशियल एक्सपेंशन और फाइनल एक्सपेंशन, अभी मैंने करके दिखाया आपको। तो इसमें के बाहर आ गया, माइनस के बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स आई से लेके एक्स एफ, ये भी क्लियर है। एक्स की जगह अपर, एक्स की जगह लोअर लिमिट, ये टर्म आ गई। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसी टर्म आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म नेगेटिव सेकेंड टर्म पॉजिटिव। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया। अब इसका जो आंसर आया ये क्या आया, इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी माइनस फाइनल स्प्रिंग की एनर्जी, जबकि मेरा आंसर क्या आया था, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जो फोर्स यूज कर रहा था वो अपनी एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहा था, और इसके अंदर जो फोर्स यूज की जा रही है वो स्प्रिंग की फोर्स यूज की जा रही है, और स्प्रिंग की फोर्स हमेशा माइनस की एक्स होती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस लाइन के बाद हम एक लाइन लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूंगा जो बुकलेट आ जाएगी, कि दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो अगर मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल, तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, मीन नेगेटिव का फर्क आएगा, तो आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो आप यहीं तक करके आए, एक लाइन एंड में लिख लें कि दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स, इफ वर्क
मुझे कैलकुलेट करना है भाई माई अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो फॉर्मूले को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, दोनों केस लिखने पड़ेंगे। आगे लिखा हुआ है वैसे मैंने इसमें, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर ये एक स्पेशल केस है, अगर मैं स्प्रिंग को एक्स आई से एक्स आई तक एक्सपैंड करता हूँ, एक्स आई मतलब क्या कि स्प्रिंग मान लो 2 सेंटीमीटर लंबा था और मैं उसको 4 पे ले गया, वापस 2 पे ले आया, तो इनिशियल एक्सपेंशन भी 2 सेंटीमीटर है, घुमा के फाइनल एक्सपेंशन भी अभी 2 सेंटीमीटर ही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, स्प्रिंग की एनर्जी का डिफरेंस। तो जब आप स्प्रिंग की एनर्जी का डिफरेंस लोगे तो इनिशियल और फाइनल एक्सपेंशन फिर से क्या आ गई, सेम, तो आंसर क्या आएगा, 0। वैसे भी 0 आना था, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्सेस कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में राउंड ट्रिप का वर्क डन हमेशा क्या आता है, 0। ग्रेविटी के अंदर भी यही था, आपने एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर लेके गए, वापस एच हाइट पर छोड़ दिया, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या था, 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर क्लोज लूप है, आंसर क्या आएगा, 0। तो स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, फिर अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन्स। तो हमने ये पढ़ा कि स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, तो स्प्रिंग की फोर्स एक्स एक्सपेंशन पे डिपेंडेंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, समझ में आ रही है अभी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज साइक्लिक प्रोसेस इज 0, जहां से स्टार्ट करके वहीं पर अगर ब्लॉक को ले आए तो कंजर्वेटिव फोर्स का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन 0, तो स्प्रिंग की फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये समझ में आया। इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, और मैं ब्लॉक को कहां लेके जाना चाहता हूं, आउटवर्ड, एक्सपेंड करना चाहता हूं स्प्रिंग को, विद अ स्लो एंड कॉन्स्टेंट स्पीड, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। फिजिक्स के लोग इसको बोलते हैं, ऐसा प्यार से नहीं बोलते, धीरे धीरे और कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, वो बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक मोशन। तो क्वाजी स्टैटिक मोशन का मतलब होता है धीरे धीरे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। आपको गया यार ये क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, उन्होंने क्या किया, मेंस में एक थर्मोडाइनेमिक्स का प्रॉब्लम डाला हुआ, आप चेक कर लेना, पुराने पेपर मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं, एक बार यूज़ कर दिया उन्होंने ये वर्ड। कैसे, एक पिस्टन है, गैस है, पिस्टन को धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ये कहने की जगह बोल दिया कि पिस्टन जो गैस है इट इज़ कंप्रेस्ड इन ए क्वाजी स्टैटिक मैनर। लोगों ने कहा ये तो प्रोसेस किया ही नहीं यार, क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वाजी स्टैटिक का है कुछ नहीं है, विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और धीरे धीरे, तो ये कुछ प्रोसेस नहीं है, समझ में आ रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट है, तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा करना है तो एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा, भाई अगर स्प्रिंग को आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क डन अभी हमने निकाला था वो स्प्रिंग की फोर्स का था, अगर मेरा वर्क डन निकालना है तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जब एक्सपेंशन एक्स है तो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप ये लिखेंगे दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो मान लें स्प्रिंग की इनिशियल एक्सपेंशन क्या है, 0 है ही नहीं, और फाइनल एक्सपेंशन क्या है, एक्स, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग जब एक्सपेंशन 0 से एक्स पर लेके जा रहे हैं, ये स्पेशल केस है, ठीक है। अगर एक्स आई से एक्स एफ लेके जा रहे हैं तो ये एनर्जी स्टोर्ड है, और अगर 0 से एक्स लेके जा रहे हैं तो ये एनर्जी स्टोर्ड है, स्पेशल केस हो गया। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट है, अगर ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए स्प्रिंग की फोर्स का और एक्स का, तो ये स्प्रिंग की फोर्स एफ एस है और ये एक्स है, फॉर्मूला स्प्रिंग की फोर्स का क्या होता है, माइनस के एक्स, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन प्लीज, तो आपने स्ट्रेट और कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेना है बिकॉज एक्स इज नेगेटिव, तो आपने इस कोऑर्डिनेट से पास होता हुआ ग्राफ ड्रॉ करना है अगर आ जाए तो। दूसरा, अगर कोई कहे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल दो, वो एरिया आपको क्या देगा, आप मुझे ये बताओ ये फोर्स कितनी है, ये कौन सा ग्राफ है, एफ और एक्स का ग्राफ है, और एफ कौन सी है, स्प्रिंग की फोर्स है, ये स्प्रिंग की फोर्स है और ये एक्स फॉर एक्सपेंशन है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस में क्या पुट करेंगे एक्स, हाइट में क्या पुट करेंगे
फोर्स, ये देखो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स, ये इसका ग्राफ है। फोर्स की वैल्यू स्प्रिंग की क्या होती है, माइनस के एक्स, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, स्प्रिंग की एनर्जी। तो यानी कि क्या रूल आ गया कि अगर आप स्प्रिंग की फोर्स वर्सेस एक्सपेंशन का ग्राफ प्लॉट करें और उसके अंडर एरिया निकाल लें तो आपको क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ये भी क्लियर है यहां तक। इसके बाद कुछ नहीं करना इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।